Hi guys, it's Usha this side, your paper 1 faculty for UGC NET and JRF. तो guys, हमने हमारा unit 4 that is communication start कर दिया है and उसमें आज हमने बहुत ही interesting सा topic पढ़ा जिसमें हमने difference between देखा physical barrier, psychological barrier and physiological barrier. ठीक है, बहुत बार बच्चे same spelling और same दिखने के वजह से उसको एक ही समझ के जो है wrong answer करके आते हैं. तो आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर इज समथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी. अगर आपके कान में दर्द है, अगर आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपको सुनाई नहीं देता है ठीक से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है. साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जहाँ पे आपका जो दिमाग है वो सामने वाले के रिस्पॉन्स को सुनना बंद कर देता है. ठीक है, किसी भी रीजन के वजह से, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कोई ईगो प्रॉब्लम है, कोई सेल्फ इमेज को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके सामने वाले से बनती नहीं है, ये सारी चीजें आएंगी साइकोलॉजिकल बैरियर में. नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर. तो लास्ट फिजिकल बैरियर क्या होता है, वो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है. और गाइज याद रखना, जहां कहीं पे भी स्पेस और डिस्टेंस इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपके फिजिकल बैरियर को ही डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. अभी आपके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, मैं और भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स आपके पास लेकर आती रहूंगी. और अगर आप मेरा पूरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो यू कैन ज्वाइन मी ओनली एट फिलर फॉर्म. थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग.